Hey guys, once again Zoeb, मेरा नाम है Zoeb और आज की प्रॉब्लम है कि NVIDIA GeForce Experience जो ड्राइवर अपडेट और सॉफ्टवेयर होता है वो खुल नहीं रहा है कुछ बंदों का, तो उसमें एरर कोड आ रहा है 01003 फिक्स। तो करेंगे आज बताऊंगा पूरे वीडियो में हिंदी में आपको कैसे करते हैं। तो सर्च बार में जाइए और डाल दीजिए NVIDIA ड्राइवर्स और पहली वाली जो मेन लिंक है डाउनलोड ड्राइवर्स NVIDIA उसको कर दीजिए ओपन। और गाइज उसके बाद यहाँ पर आप जी फोर्स ले लीजिए आप और उसमें जो भी सीरीज़ है वो ले लीजिए 710 1050, तो मेरा 600 सीरीज़ है। और GTX जो भी मॉडल नंबर है उसको कर दीजिए सेलेक्ट और उसके बाद विंडोज 10 प्रो और देन कंफर्म करने के बाद कर दीजिए डाउनलोड। डाउनलोड के बाद यहाँ पर एक आएगा आपको 500 MB का जिप, तो उसको कर दीजिए डाउनलोड और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। और यहाँ पर देख सकते हैं आप डाउनलोड और ये 500 MB अप्रॉक्स होगी, कम ज़्यादा हो सकती है। और उसके बाद डाउनलोड होने तक आप वेट कीजिए और उसके बाद आपको सेकंड काम करना है कि आपके कंट्रोल पैनल में जाना है आपको और यहाँ पर जो अनइंस्टॉल प्रोग्राम से उसमें आना है आपको और यहाँ पर NVIDIA ग्राफिक्स ड्राइवर को कर देना है अनइंस्टॉल। और उसके बाद चेक करना है आपको कि ये चारों में से कोई बचा तो नहीं, उसे भी आपको ढूंढ के अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपका PC पुराने रिजोल्यूशन में देखेगा बोरिंग से और फिर उसके बाद आपको जो फोल्डर है डाउनलोड का उसमें जाना है जहाँ पर आपने अभी डाउनलोड किए थे 500 MB ड्राइवर। और ये रहे वो ड्राइवर्स अभी जो हमने डाउनलोड किए थे, तो उसको रन एज एडमिनिस्टर करना है। डायरेक्ट एप्लीकेशन है जीप होगी तो आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से कुछ दिखेगा। डिस्प्ले ड्राइवर इंटरनेशनल लोडिंग होगी, पहले तो ये कुछ एक मिनट लेगा अप्रॉक्स। उसके बाद आपको चेकिंग कम्प्लीटली सिस्टम ये होगा 30 सेकंड तक जब आपको सफर करना है कोई गड़बड़ नहीं। उसके बाद आपको इस तरह से आ जाएगा तो आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर राइट करना है। एग्री एंड कंटिन्यू पर राइट करने के बाद वेट कीजिए, थोड़ा लोड लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर परफॉर्म और आपको यहाँ पर कस्टम इंस्टॉलेशन करना है एक्सप्रेस नहीं, और उसमें आकर आप कर दीजिए परफॉर्म एंड क्लीन इंस्टॉलेशन को राइट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट दबाइए जिससे कि आपकी पुरानी ऑल सेटिंग्स हट जाएगी। ठीक है, याद रखिए एक बार कस्टम में जाना है ओके। उसके बाद दबा दीजिए नेक्स्ट और चेक देख और उसके बाद ये होगा लोड और प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन। ये कुछ लेगा 5 मिनट या अप्रॉक्स 3-5 मिनट आपके PC सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे है, जितना फास्ट उतना जल्दी होगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी आपको। तो इस तरह के लोडिंग होगी कर देता था पर जाने दीजिए आप, थोड़ा कन्फ्यूजन होगी इसलिए मैंने आपको स्किप नहीं किया। इसको एक बार दिखाई देता हूँ बोरा कैसा है। बीच में कोई मैसेज आ सकता है आपको यस बोल के वी वांट टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, तो आपको यस करना है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ग्राफिक ड्राइवर लिख के आ रहा है, कुछ आपको क्लिक नहीं करना है, कुछ मिनिमाइज नहीं करना है, स्क्रीन को ऐसे ही चालू रहने दीजिए। और अगर आपका ड्यूल मॉनिटर सेटअप है तो उसमें जो सेकंड डिस्प्ले है उसको बंद कर दीजिए मॉनिटर को, सिर्फ वन डिस्प्ले से ही कीजिए वरना ये शायद थोड़ा आपको सताएगा। और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं धड़ाधड़ इंस्टॉल हो गए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर राइट करना है क्रिएट और लॉन्च NVIDIA पे राइट टिक है कि आपके ड्राइवर्स हो गए इंस्टॉल। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लेटेस्ट वर्जन सारे HD ऑडियो 3D NVIDIA ग्राफिक्स एक्सपीरियंस जो आपको प्रॉब्लम दे रहा था वो भी हो गया। और उसके बाद आप कर दीजिए PC को रिस्टार्ट याद से ये क्लोज करने के बाद, और रिस्टार्ट करने के बाद आप रिफ्रेश करिए और खोलिए अपना NVIDIA ग्राफिक्स ड्राइवर। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सो गाइस उसके बाद आपको आ रहा है मेन स्क्रीन पे रिस्टार्ट होने के बाद, और जी फोर एक्सपीरियंस को डायरेक्टली ओपन करना है या फिर एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर खुल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और आपकी यहाँ पर पूछेगा आपको साइनिंग जीमेल वगैरह आप ID वगैरह आप डाल दीजिए इस पर और कर दीजिए साइनिंग या साइन अप कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ड्राइवर अपडेट्स ऑप्शन आ रहा है और अभी लेटेस्ट ड्राइवर है जो 22 अक्टूबर को आए थे। तो गाइस इसी तरह से आप एकदम मजे ले सकते हैं लेटेस्ट ड्राइवर और लेटेस्ट गेम प्ले का। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़ोएब मोदी और उसके बाद इस बेल के आइकॉन को दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियोस देखने मिले सबसे पहले।